कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका maakirasoise.com में। और होली के अवसर पर हम आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सी, बहुत इजीली बन जाने वाली रेसिपी लेकर आए हैं, और वो रेसिपी है छेना दही बड़ा या रसगुल्ला दही बड़ा। दोस्तों, ये बहुत ही आसान है बनाना। अगर रसगुल्ले आप रेडीमेड हैं आपके पास, घर पे नहीं बनाना है तो कोई भी कुकिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर घर पे बना भी रहे हैं तो एक दिन छेना बना के, रसगुल्ला बना के रख लीजिए, और जब दही वड़ा बनाना हो तो बस इसे असेंबल ही करना रहता है। तो चलिए देखते हैं कि किन किन चीज़ों को डालने से, क्या डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। छेना दही वड़ा या फिर रसगुल्ला दही वड़ा बनाने के लिए, वैसे तो वो ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट लगेगा छेने के साथ अगर हम दही खाएंगे तो, लेकिन इसको और स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे छेना ले रहे हैं, रेडीमेड छेने का रसगुल्ला 5 है। अगर आप रेडीमेड छेने का रसगुल्ला यूज़ कर रहे हैं तो कोई कुकिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसी को बनाने के लिए आपको, अगर आप घर पे बना रहे हैं तो इसमें टाइम जाएगा थोड़ा सा, वरना तो ये बहुत आसान है, सिर्फ असेंबल ही करना है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 5 छेने का रसगुल्ला। दही है, फ्रेश ताजी दही से हम इस लोटे में जमा लिए हैं। ये देखिए, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें, अच्छी हार्ड बिल्कुल दही, मलाईदार दही जमी है। इमली खजूर की चटनी है, फ्रेश भुने हुए जीरे का पाउडर, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, इसे छील कर धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, हरी धनिया धुली हुई बारीक कटी हुई, लेकिन स्वाद के अनुसार अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसे डालेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च, जितना आपको तीखा पसंद हो। ये हरी धनिया की चटनी है, और साथ में थोड़ा सा हम चीनी डालेंगे। वैसे तो रसगुल्ले अपने आप मीठे हैं, लेकिन दही में थोड़ी सी चीनी हम डालेंगे, तो चीनी स्वाद के अनुसार हम लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, दही में डालते हैं 2 चम्मच, खाने के चम्मच से 2 चम्मच चीनी, और इसे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। साथ में थोड़ी सी ये अदरक भी डालेंगे, थोड़ी सी अदरक ऊपर से हम डालेंगे, और थोड़ी अभी डाल लेते हैं, और थोड़ी सी ये काला नमक, इसे डाल के दही को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। तो ये दही को हम फेंट लेंगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अभी जैसे इसमें दाने दाने से दिख रहे हैं, जब हम थोड़ा फेंट लेंगे तो बिल्कुल स्मूथ दिखने लगेगा। और ये देखिए, दही कितनी गाढ़ी है। दही के भी वीडियो हम शेयर किए हुए हैं कि कैसे सर्दियों में या किसी भी मौसम में अच्छी गाढ़ी दही, मलाईदार दही कैसे तैयार की जाए। दोस्तों, अगर आपके पास फ्रेश दही नहीं है, दही खट्टी हो गई है, तो इसमें थोड़ी सी मलाई के साथ, जो घर में दूध आता है उसे थोड़ा सा डाल लें मलाई के साथ। दोस्तों, ये देखिए, दही जो है बिल्कुल स्मूथ फिट चुकी है। इसे अब हम कर लेते हैं थोड़ा साइड, और ये हमारी सर्विंग डिश है, इसमें हम दही बड़े सर्व करेंगे। तो ये जो छेने के रसगुल्ले हैं, पहले उसे थोड़ा सा निचोड़ कर, क्योंकि इसमें काफ़ी मिठास होगी, तो थोड़ा सा इसे निचोड़ लेंगे। दोस्तों, कुछ लोगों को दही बड़ा जो है वो खट्टा पसंद होता है, अगर खट्टा पसंद है तो दही में चीनी ऐड ना करें, और जो रसगुल्ले हैं उसको भी पानी से अच्छे तरीके से धो देंगे, तो जो एक्सेस जो मीठापन है इसका निकल जाएगा। आप इसे ट्राई करिएगा, ये बहुत टेस्टी लगता है। नॉर्मल जो हम लोग डाल के दही बड़े बनाते हैं उसका टेस्ट अलग आता है, इसका बिल्कुल अलग आता है। और कुछ लोगों को, जैसे उड़द दाल का दही बड़ा खाने से कुछ लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि उड़द दाल जो है वो गैस बनाती है, तो ये छेने के जो दही बड़े हैं, इस प्रॉब्लम से भी आपको, इस तरह की भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन रसगुल्लों के ऊपर सिंपली हमें दही फैलाना है। ये दोनों तरह की चटनी, इमली की मीठी चटनी,
दोस्तों इमली खजूर की चटनी की रेसिपी भी इसकी वीडियो हम शेयर किए हुए हैं, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे भी ट्राई करके देख सकते हैं। बहुत टेस्टी चटनी बनती है और आप इसे बनाकर प्रिजर्व करके रख सकते हैं। एक बार बना लीजिए तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। और इमली की खट्टी मीठी चटनी तो ऐसी है कि आप किसी भी स्नैक आइटम के साथ खा सकते हैं, इवन आलू के पराठों के साथ खा सकते हैं, चाट समोसा इन सब में तो यूज़ होता ही है। और इसके बाद ये बाकी सारी चीज़ें भी बारी बारी से इसमें डाल देंगे, सारी चीज़ें इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, बस जैसे नॉर्मल दही बड़े में हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही। ये जो बचे हुए अदरक थी इसे भी, अदरक दोस्तों दही बड़े में आप ज़रूर डाल के देखिएगा, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये जो छोटी छोटी अदरक के टुकड़े जब मुंह में आते हैं तो इसका इसके साथ स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। लाल मिर्च जैसा आपको पसंद हो, भुने हुए जीरे का पाउडर, हरी धनिया, और ये तैयार हो गया क्विक एंड इजी रसगुल्ला दही बड़ा। बहुत ही फटाफट बन जाता है लेकिन बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगर पहले से कर लिया है तो थैंक यू। दोस्तों ये तो बिल्कुल बेसिक सामग्री थी, इसके अलावा आप इसे और अगर टेस्टी बनाना चाहते हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें नायलॉन सेव ऊपर से डाल सकते हैं, जैसे कि बाकी किसी भी चाट रेसिपी में हम लोग डालते हैं, या फिर अनारदाना डाल सकते हैं, उसका भी खट्टा मीठा जो स्वाद है वो इस दही बड़े के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।